अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। निशा बेगम का लजीज किचन में आपका स्वागत। चलिए आज सिंपल सा आलू का फ्राई बनाएंगे, जो किसी के भी संग खा सकते हैं। तो ये देखिए, कढ़ाई हमने बैठा दिया, चूल्हा धरा लिया है। अब इसमें तेल दे देंगे, तकरीबन 25 ग्राम तेल दे देंगे। अब उसमें ऐड कर देंगे ये 4 पीस हमने कच्चा मिर्चा इस तरीका से जीरा लगा लिया है बीच से, और ये छोटा साइज का एक प्याज इसी में दे देंगे। ये आलू हमने तकरीबन 1 किलो आलू हमने काट लिया है, अब इसी में ऐड कर देंगे। ये 1/2 टीस्पून नमक इसी में ऐड कर देंगे इस तरीका से। अब इसको ढक के पकाएंगे। ये देखिए, अब इसको हम एक बार पलट देंगे, 1 मिनट पर पलट देंगे। ये छोटा वाला आंच है, ये छोटा वाला गैस का आंच है, इसी में हाई फ्लेम में ही भूजेंगे। हर 1 मिनट पे, 1/2 मिनट पे इसको पलटेंगे। ऐसे पलट पलट के बनाएंगे, आलू भी गल जाएगा और ब्राउन भी हो जाएगा। फिर ढक के ही पकाएंगे, नहीं तो गलेगा नहीं आलू। ठीक, फिर हमने एक बार पलट देंगे इस तरीके से, पलट देंगे। पलट के इसको बस ऐसे फैला देंगे, फिर ढक के पकाएंगे। ये देखिए, फिर एक बार पलट देंगे। इसी तरीके से बार बार पलटेंगे हाई फ्लेम में। ये देखिए, 4 से 5 दफा इसे पलट पलट के बनाने का बाद ये हो गया है। अब इसको धीमी आंच में पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। ये हो गया, अब इसको गलने के लिए धीमी आंच में पकाएंगे ढक के। ये देखिए, फिर हमने पलट देंगे तकरीबन 1 मिनट का बाद धीमी आंच में। फिर इसको ढक देंगे। ये देखिए, हमारा आलू भुजिया रेडी हो गया है, आलू फ्राई। अब इसको उतार लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, अब इसको उतार लेंगे, फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए, आलू फ्राई हमारा रेडी हो गया है। इसी तरीका से आप भी आलू फ्राई बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्ट लगेगा, किसी का भी संग आप खा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करके शेयर करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारा वीडियो देख के शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।